अरे बेटा, पैसा कहाँ है रे? सर बोलिए ना सर। वही तो पता लगा रहे हैं। रात को सावधान इंडिया का प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। जो लोग मरे हैं उनके बारे में आपको क्या पता है? जो मरे हैं उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि इंसिडेंट के वक्त मैं नहीं था। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ होगा सर? क्या हुआ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हुआ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये सब कैसे हुआ होगा सर? फिर आपको कुछ पता नहीं है क्या सर? मुझे लगता है उसकी मौत और जीत के बीच में उसकी मौत का कारण छुपा हुआ है। सर लास्ट नाइट हेड कांस्टेबल बाबू और मैं यहाँ पर आए थे सर, छोटा सा क्लू भी नहीं मिला सर। जो मर गया वो बहुत ब्रिलियंट है सर। फिर वो मारने वाला? सॉरी सर, वो तो इंक्वायरी मैंने की ही नहीं सर। गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, इंक्वायरी करोगे तो पता चलेगा। सर 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 चलिए सर। सर हम यहाँ पे क्यों आए? हमें अगर इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाना है ना, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मर्डर कैसे हुआ ये पता लगाना ही अपने लिए बड़ा टास्क है। व्हाट एन इंटेलेक्चुअल सर, व्हाट अ बिग क्राइम स्टोरी सर। आखिर ये क्राइम कैसे हुआ, एक पुलिस के नाते हमें सोचना होगा सर। इस केस में अगर क्लू मिला तो वो दूसरी तरफ से ही मिलेगा। सर इतनी उम्र होने के बाद भी फिल्मों के चक्कर में मैंने शादी नहीं की, प्रोड्यूसर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा। ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुरुजी को कुछ नहीं पता है। कौन है ये हाफ टिकट? इसका नाम गोलू बाबू है। इसका ये नाम कैसे पढ़ा कर बताऊंगा, तो ये हाफ से फूल दिखेगा। गुरुजी। अरे ये मेरे आंसू है। कीमती चीजों को छोड़ देना प्रोड्यूसर के लिए अच्छा नहीं होता है गुरुजी। आओ ये छोटा पाउच कमाल का है। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। बोलो। ठीक है, नरेशन देने में टाइम लगेगा, इसीलिए पहले एक बार विजुअल देख लीजिए। गुरुजी गुरुजी उधर रख यार। गुरुजी बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दे, ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ इस टाइम में। शेक करने वाली स्टोरी नहीं, शेक करने वाली लड़की है तो बता। पता है मेन स्टोरी की बात कर रहा हूँ, लड़की की नहीं। स्क्रिप्ट में पेन भी नहीं रखूंगा। फिर सेट पे उंगली भी नहीं रखूंगा। और डायरेक्शन में तुम ही हो रे गोलू बाबू। फिर मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप टाइम कब देंगे? स्टोरी सुनने के लिए टाइम डे 10 फ्राइडे मॉर्निंग 9 AM। अरे गोलू बाबू और इस टाइम में कोई डाउट नहीं है। क्या रे ये सब तुझे सिली दिख रहा है? यहाँ क्राइम हुआ है, हमारा दिमाग खराब है और सीरियसनेस कमिंग सून सर। क्यों रे, तेरी बेकार बातें हम क्यों सुने? उसमें जो सोल है ना वो आपको चाहिए। कंटेंट क्या है? बहुत सारा कंटेंट है। फिर बोलता जा। बोलो। रोड से ओपन करते हैं। We'll be right back.
हाँ बोल भाई। वो हमारा आदमी नहीं है भाई। ए, इसको पकड़। हेलो सर। क्रांति, तुम्हारा वर्क असाइनमेंट रेडी हो गया है। आर यू रेडी? या आई एम रेडी। अरे गोलू बाबू। हाँ गुरुजी। ये लड़का थिएटर की नई मूवी के कटआउट जैसा है ना? 100% ऐसा ही है गुरुजी। तेरा ओपिनियन क्या है? बिना कंटेंट की कहानी को कमर्शियल बना के हिट करवा सकते हैं गुरुजी। हाँ, क्या हीरो बना के? कोई डाउट नहीं है गुरुजी। संपादन राव कौन है? काम क्या है? अर्जुन रेड्डी ने भेजा है। जानता हूँ।
सुनो भाई, शोले सिनेमा के दोनों हीरो जैसा मैं और तुम्हारा ओनर दोस्त हैं। मेरी बात वो बहुत मानता है, लेकिन तुम काम का वेट देखने के बाद रेट बताऊंगा बोल रहे हो, क्या करूं बोलो। अरे गोलू बाबू जी, गुरुजी लग रहा है अंधेरी लाइफ में रोशनी आ गई है। सबसे पहले सच पता लगाना चाहिए गुरुजी, फिर एक्सप्रेस करना चाहिए। क्या भाई तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो या एक्सपोजिंग देखने? पागल हो गए हो क्या तुम? वो कोई आइसक्रीम है क्या जो चूसने की निगाहों से देख रही थी उसे? क्या बहुत अच्छा लगा वो? मैं उसे चाहे कैसे भी देखूं, तुम्हें इससे क्या? लड़का देखे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर लड़की देखे ना तो गंदा लगता है। इस तरह की फिजूल की बातें मुझसे मत करना। आंखें नीची करके चलना सीखो, ऊपर करके नहीं। कहना क्या चाहते हो? मैंने उसे देखा तो तुम्हें जलन हुई? तुम किसी को प्यार से देखोगी तो मुझे जलन होगी ना? हेलो रघुपति, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारा एग्रीमेंट सिर्फ फ्लैट के लिए हुआ है, किसी और चीज के लिए नहीं। मतलब सत्यम का काम होने के बाद अपने रास्ते अलग? तुम्हें कोई डाउट है क्या? जो रास्ता चुन रही हो ना वो बहुत अच्छा नहीं है। हाईली डिस्टर्ब्ड वे। डिस्टर्ब्ड वे से डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ओपन हो गई ना तो तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सोचना इस बारे में। तेरी बातों से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। सेम टू यू। गाना बंद करना। हाँ बोलो सही। मैटर क्लियर हो गया भाई, परसेंटेज क्लियर होने के बाद ही काम करेगा बोल रहा है। उसको फोन दो। फोन में बैक्टीरिया हो सकता है, साफ करके देना चाहिए ना। और भाई ठीक हो ना? पहले काम के बारे में बात करो। 10% बोला ना। अरे ये काम इतना बड़ा भी नहीं है। तो ये पैसा भी तो तुम्हारा नहीं है, लोगों से लूटा हुआ ही तो है। इस तरह की फालतू बातें मेरे साथ मत करो, समझे?
बहुत मेहनत से तेलंगाना मिला है भाई। मुझे भी सही लगा, इसीलिए मान गया था। तेलंगाना में केसीआर के बाद मैं ही सबसे ज्यादा फेमस हूँ, तुझे पता है। 8% क्या बोलता है? चल ठीक है, जय तेलंगाना। जैसे ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा काम शुरू कर दूंगा। कुमार भाई अपना काम खत्म हो गया, म्यूजिक चालू करो। हेलो हाँ क्रांति, काम का क्या स्टेटस है? सर यहाँ वन मैन शो का वर्क कर रहा हूँ। फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा ना? टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा सर। कितने में करना है? लो बजट में करने को बोलो ना। मैं क्वालिटी देखने के बाद ही कन्विंस होऊंगा, अगर क्वालिटी नहीं हुई तो कंप्रोमाइज भी नहीं। वो आ गए हैं, फोन रखो। अरे भाई बिना असिस्टेंट काम करना हीरो के लिए ठीक नहीं है, और तुम हाई बजट होगा क्यों सोच रहे हो? इस तरह सोचने वाले विलेनिज्म और हीरोइज्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं आपकी पसंद के हिसाब से काम करूंगा तो मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहूंगा, और मेरी रेंज तो आपको पता ही है, उसमें विलेन हो या फिर हीरोइज्म हो, दोनों ही मेरी मर्जी के रहेंगे। तो क्या तुम मेरी मर्जी से काम नहीं करोगे? अगर मुझे ठीक लगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा, और ठीक नहीं लगा तो चाहे कितने भी पैसे दो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और मुझे जो चाहिए करके जाओ। एक मिनट सुनो, मैं तुम्हारे फ्लैट में सिनेमा का ऑफिस खोलूंगा, ओपनिंग किसी बड़ी हीरोइन से करवा लूंगा। उसके बाद उस फ्लैट को देखने के बाद तुम कैश भूलकर कॉल टाइम मांगने के लिए मेरे पास आ जाओगे। अच्छा हाँ, इतना होगा क्या? नेक्स्ट। फिर से ओपन किया तो? अरे साई, इस बार वो मिस नहीं होना चाहिए। वो अभी उसी जगह पे है ना? ओके ओके, वो मिला तो पैसे भी मिल जाएंगे, उसके बाद देखता हूँ वो कैसे बचेगा। नायडू रेड्डी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, और वैसे भी अपना स्टेट है ना। नो प्रॉब्लम भाई, मैं आ रहा हूँ, तब तक उसके ऊपर नजर रखो। इस बार अगर वो मिस हुआ ना तो गोल्डन चांस अपने हाथ से निकल जाएगा। साई तू मेरी बातें ठीक से समझ रहे ना? ए साई तू फोन कट कर, यहां मैं इसको कट करूंगा। हो गया तुम्हारा या और कुछ बाकी है? घूर के देख रहा है। सॉरी बोलो। सॉरी? सॉरी मेरी डार्लिंग के लिए सॉरी। चलो चलते हैं। डार्लिंग, वो सत्यम हमारे हाथों में फंस चुका है, एक हफ्ते में उसका मैटर फिनिश हो जाएगा, फिर हम दोनों अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से कर सकते हैं। तब तक हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल में रखो, नहीं तो मैटर रेड जोन में चला जाएगा। हेलो बॉस, अगर थोड़ा टाइम हो तो बोलो, साथ में पार्टी करते हैं। I'm Kavya। क्रांति, राइमिंग सही था। तुम्हारी उम्र क्या है स्वामी? देखो अप्पा, तुम्हारी एज और मेरी एज में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम टू सेम, समझे क्या? हाँ, अब हेलो क्रांति, हाउस गोइंग? फाइन सर, बट वो लड़की मुझे बहुत देख रही है सर। तुम उसकी चिंता छोड़ो क्रांति। यस सर, ओके सर।
सही है। तुम अगर लेना जानते हो तो देना भी जानते होगे ना। वो तो टाइम पे ही होगा ना। आई थिंक तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा काम ये दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। इस काम को चूज क्यों किया तुमने? ये काम मुझे अच्छा लगा। इतना क्यों पूछ रही हो? क्यों? मुझे नहीं बताना। बहुत सारे काम हैं। कितने दिन तक करोगे? पूरा नहीं होगा तब तक करूंगा। अकेले कर सकते हो? मैं जो भी करता हूँ सोच के करता हूँ और अकेले ही करता हूँ। मुझे जो पसंद है वो कर सकते हो? क्यों, क्या हुआ रे? अगर मुझे कुछ सही लग गया तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम्हें सही लगे इसलिए क्या करना होगा? मैं हमेशा से ही सच्चाई पे विश्वास करता हूँ। ये मेरी आदत है। मुझे याद करने के लिए रख लो। मैंने तुम्हारी उस याद को पी लिया है। तो तुम्हें ये नहीं चाहिए। जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसे नहीं लेता। ए, 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 रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ए, क्या कर रहा है? मेरा कोई नाम नहीं है क्या? मैंने कितनी बार तुम्हारा नाम पूछना चाहा, एक बार मुड़ के देखते हो, कभी तुमने अपना नाम मुझे नहीं बताया। क्या काम है? वो आप और आपके साथ वो लड़की है ना, अपार्टमेंट के फंक्शन में जो मीटिंग होती है ना उसमें नहीं आ रहा, इसलिए कंप्लेन है। सर वो लड़की मेरी वाइफ है। आपके वाइफ के गले में मंगलसूत्र नहीं है ऐसा देखकर मेरी वाइफ ने उसका पिक्चर लिया और उस पिक्चर को अपार्टमेंट में शेयर कर दिया है। इसी के बारे में पूछने के लिए सोसाइटी के लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आप अपना काम कीजिए। उसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे और भी काम है। ए, क्या है, बहुत ज्यादा बोल रहे हो? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी पत्नी सभी मर्दों को गौर से देखती रहती है, यहाँ तक कि चौकीदार को भी देखती रहती है। अपार्टमेंट की सभी औरतें उसी की चर्चा करती रहती हैं। सारी औरतें मुझे परेशान कर रही हैं। ए, क्या बकवास कर रहे हो? अगर फिर से कोई फालतू बात की ना तो इधर ही तुमको मार डालूंगा मैं। मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। मैं इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। अबे कैसा प्रेसिडेंट, बोल तो ऐसे रहा जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट हो। दो कौड़ी का फटीचर, इडियट। ये कौन है? एए, कौन हो तुम, क्या चाहिए? May I come in? बिना पूछे अंदर तो आ गए हो, आप क्यों पूछ रहे हो? आओ। अब क्या हुआ भाई? बैठने के लिए परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। गोलू बाबू बैठो। नो मेंशन। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा ईगो है? हाँ गुरुजी। अरे भाई साइलेंट ही रहोगे या कुछ टॉक भी करोगे? स्टोरी शुरू करोगे या ईगो ही कंटिन्यू करोगे? ओके सर। सर ओपन करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे नहीं चाहिए, पंच पंच चाहिए। आई लव यू सर, आप जैसे प्रोड्यूसर के लिए ही तो लिख रहा हूँ, आपको पंच चाहिए ना सर। अभी आपको देता हूँ। ये आंध्रा का पंच है, ये चेन्नई का पंच है और ये केरला का पंच है सर। हाउज इट सर? ये सब पूरा मिला के सर बैग में रखो, मैटर बताओ। ओके सर, ओके सर। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। हीरो का ईगो हिमालय की हाइट जैसा है, हीरोइन को जब पता चलता है तो हीरोइन हीरो के बारे में सोचना शुरू कर देती है। हीरो का ईगो कम करने के लिए हीरोइन सोच रही है सर। हीरो में हीरोइज्म छोड़कर ईगोइज्म टच किया ना, वो सुपर है। यस थैंक यू सर। क्या है बताओ? सर उधर से हीरोइन सोच रही है, कैसा लगा सर? इतनी लंबी स्टोरी पर काम करूंगा तो मैं ही फ्रेम से आउट हो जाऊंगा। सुपर थैंक यू सर, आई गॉट अ चांस। थैंक यू सर। गुरुजी पागलों में प्रकाष्ठा है गुरुजी, लेकिन आपको ऐसे लोग क्यों मिलते हैं गुरुजी? मेरा टाइम ही ऐसा है।
हेलो, मैं संपत राव बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मेरे फ्लैट में पेंटिंग का काम है, करोगे? फ्लैट नंबर रिवेरा 136। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तुमने इसे फिर से वापस कर दिया। मेरे फोकस से कुछ भी स्किप नहीं होता। हेलो भाई, हेलो। संपत राव के एडिशनल फ्लैट में तुम ही पेंटिंग का काम कर रहे हो ना? हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। क्या भाई, तुम पेंटिंग का काम छोड़ के उस लड़की के फ्लैट में उसके साथ पेंट कर रहे हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं। इस अपार्टमेंट में सभी लोगों को तुम लोगों का गाना और डांस सब कुछ समझ में आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? What is your problem? देखो, मैं एक्चुअल में इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ, इसे देखना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, ये कोई मॉल नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो फ्लैट की सारी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगा? मैं अपने काम पर ध्यान दूं कि तुम्हारे ऊपर ध्यान देता रहूं, कब तक उन्हें बचाता रहूं? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं सोच नहीं रहा हूं, पहले ही थोड़ा अलर्ट हो रहा हूं। देखो मैं। सुनिए जी। हाँ। एक बार अंदर तो आइए, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। आप आ रहे हैं या मैं आऊँ? नहीं, मैं ही आ रहा हूँ, रुको। भाई आगे से ध्यान रखना, जो काम कर रहे हो उसी पर ध्यान दो। ठीक है, आप भी। अरे साथी, यहाँ क्यों आया है? एक काम से आया हूँ। मेरे फायदे का है क्या? तुमने निजाम की नौकरी की है और बहुत सारे लड़ाई झगड़े देखे हैं। तुमने तो एक मिनिस्टर के साथ भी काम किया है। गांव के छोटे से नेता से लेकर हैदराबाद के चिन्ना रेड्डी तक जान पहचान है तुम्हारी। 60 में जो मूवमेंट हुआ था उसमें भी थे। NTR से लेके चंद्रबाबू नायडू के साथ तक घूमे हो तुम। पता है, RS रेड्डी को तो तुमने पॉलिटिक्स सिखाई और KCR से मिलकर तुम तेलंगाना भी ले आए। सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करोगे? वो सब तो पुराना है, नया क्या है वो बोल। सब कुछ तो देखा तुमने, अब क्या देखना चाहते हो? ये सब छोड़ के काम क्या है वो बोल। अरे रुक क्यों गया? मैं थक गया हूँ दादा, उसे ढूंढ कर लाओ। अरे गांगी। हाँ। उस आदमी को बाहर निकाल के लाओ। ठीक है भाई। ए, सब लोग रेडी रहो, वो आदमी बहुत खतरनाक है। ए, रुक। ए, चलो ले। ए, पकड़। ये क्या है बे पटेल? देखो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जाओ उसको पकड़ो। ए, छोड़ना मत उसको। चला गया ये, कहीं भाग तो नहीं गया ये?
इधर आओ, इधर जाओ सब लोग, जाके देखो इस तरफ, जाओ, छोड़ना नहीं उसको, भागने ना पाए, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी निकलो। अरे तू आदमी है या बंदर, इधर से उधर कैसे पहुंच गया? अबे तू किसी जानवर का बच्चा है कि इधर से उधर कूद गया? अंदर कैसे गया तू? टेंशन में कूद गया भाई। अरे रुक, अरे मेरा डील कैंसिल हो जाएगा। अरे भागता कहाँ है? अरे रुक जा, अरे मेरा नुकसान होगा। ए, तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? वो इधर भागा, इधर आओ जल्दी से। बेमतलब पेट्रोल फूंक रहे हो, मुफ्त का आता है क्या? अबे जल्दी वापस आओ, इधर से जाओ। अरे ये इधर आ गया, इधर आओ। हे रुक, अरे इधर गया, इधर आओ सब लोग, मगर जाओ जल्दी जल्दी जाओ। हे तुम इधर से निकल। अरे बोला ना मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। अरे इधर जल्दी जल्दी चल भागा। अरे निकल जाएगा वो, तेज चला। देख भाग रहा है, पकड़ उसको, जल्दी चल। अबे तेरी खोपड़ी खाली है कि मुझे इतना भगा रहा था? ए, बाल बढ़ा लेने से दिमाग नहीं बढ़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ए, क्या बात है, इसको बोलते हैं असली काम। उठ ना सती, दर्द हो रहा है। ए सती उठ, ए सती 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 उठ ना। सनी सती, जितनी जल्दी बताएगा उतनी जल्दी दर्द कम होगा, बोल सती। सती सनी, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है तू। पहले तू बाहर आ, कम रघुपति। क्या हुआ डार्लिंग? देखो इस तरह का काम घर में करना सही है क्या? तुम किस तरह के इंसान हो? ओह, तो ये बात है क्या? डार्लिंग तुम थोड़े टाइम रुको, सत्यम को सच्चाई बता दूंगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े, ठीक है ना? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। फुटपाथ पे रहने वाली तुमको इतने बड़े घर में रख रहा हूँ, ये मेरी गलती है क्या? यस, ये एक जेल है, बट आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट। हे, बाहर जाना मना है। आई एम गोइंग, अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट अलाउ यू टू गो, गॉट इट? तुम्हारी हर बात को मुझे यस ही कहना है क्या? रघुपति, वायलेंस और साइलेंस के बीच के डिफरेंस का पता नहीं है काव्या को, उसको अभी थोड़ा फ्रेश हवा के लिए जाने दो, नहीं तो खराब हो जाएगी। रेडी, ये स्पेशल इंटरेस्ट क्यों? हमारे बीच में तुम क्यों आ रहे हो? तुमको बोलकर बहुत देख लिया। काव्या, तुमको जहां जाना है जाकर आओ। रघुपति जाने से रोक रहा है, उसके बारे में मैं देख लूंगा, तुम जाओ काव्या। थैंक यू सो मच। रेडी, बस करो। सनी, सनी, मेहनत बहुत किया तूने, बस कर अभी, जाने दे, बाहर आ, चल अभी जा।
घूर क्या रहा है, जाना बाहर। रघुपति, अरे इधर भी शुरू कर दिया क्या सत्यम, हाँ बोलना। सत्यम, तुम लोगों ने तो इसे बहुत बुरी तरह मारा है। अरे सत्यम, तुझको सच बोलने के लिए 10 चांस दिया मैंने, बोल दे सच। जब तक ये सच नहीं बोलता, एक एक करके सिंगुलियां काटते रहो। सच बोल दे बेटा, बोल दे। बोलू क्या सर? हाँ बोलो ना। शेखर कामूला जैसा सॉफ्ट बोलू या रामू जैसा रक्त चरित्र जैसा बोलू? अरे वो सब छोड़ो, एक अच्छी सी फैमिली स्टोरी सुनाओ। मैं जो भी बोलूंगा अपने स्टाइल में बोलूंगा सर। बिना रुके बोलो। तो असल में होता क्या है, ये सब क्या हो रहा है सोचकर हीरो आ रहा है सर, ऐसा हीरो नीचे आ गया। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से आए ये लोग? हाँ मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे हीरो नीचे आ गया? वो सब बाद में बताना, मुझे अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, आज मुझे बात करनी है। फिर उधर बाइक के पास हीरोइन इंतजार कर रही है सर। तुम्हारे पास टाइम होगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास? अरे रे रे रे, पूछ पूछ कर लड़की के गले में दर्द होगा। इधर ही हीरो को हाँ। इंटरेस्ट क्रिएट करने का हाँ। हीरोइन के पास मकसद है सर। शांति प्लीज, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी, प्लीज सपोर्ट मी प्लीज। क्रांति मुझ पर यकीन करो, मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें जो करना है करना, ओके? ये तो लड़की ही सिर्फ बोल रही है, हीरो के बारे में भी कुछ बोलो, वो क्या साइलेंट हीरो है? अरे गोलू बाबू, बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी सी हिंदी कहानी सुना रहा है, तुम अब तक कहाँ थे? सॉरी गुरुजी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, वहाँ मुझे अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। अच्छा निकलता हूँ गुरुजी, बाय। क्या भाई? सॉरी सर, मुझे फील हो रहा है। क्या फील हुआ है? अब मेरा मूड ठीक नहीं है सर, अब मैं आगे की स्टोरी नहीं सुना सकता हूँ। जहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर होगा वही कहानी सुना सकता हूँ। उठी जाना होगा, चलता हूँ सर। ए, रुक रुक रुक, हमारा मूड ही आउट हो गया। सीआईजी, गोलू बाबू स्टोरी के बीच में आ गया ना, इसीलिए उस राइटर को बहुत फील हुआ। आप गोलू बाबू के स्टोरी के बीच में क्यों आ रहे हैं, वो ठीक ही तो कह रहा है ना। गोलू स्वामी कंटिन्यू। दो साल पहले मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें बुरी तरीके से चीट किया था, सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें लोन पे करना पड़ा। मैं एमबीए फाइनल ईयर में थी, स्टडीज छोड़कर मुझे जॉब करने की नौबत आ गई, और उसके लिए मैं एक दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए रघुपति से मुलाकात हुई। मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं दूसरे दिन फिर उससे मिलने गई। वेलकम। थैंक यू। रघुपति ने बोला है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की को लाने वाला है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके। हेलो नायडू। हाय रघुपति। गुड, हाउ अबाउट यू? गुड गुड, दिस इज काव्या। हेलो सर। सिट काव्या, प्लीज बी सीटेड। रघुपति ने रेफर किया है तो इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ही इज माय ब्रदर। हेलो। हाय। तुम्हारी फैमिली में या रिलेटिव्स में कोई भी पुलिस, पॉलिटिशियन, लॉयर्स या ऐसा कोई है क्या? नो सर। नहीं है ना? दैट्स गुड। आपका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा और क्लियर है, इसलिए यू आर अपॉइंटेड। 25,000 सैलरी। बाकी काम के बारे में रघुपति आपको समझा देगा। जॉब क्या है सर? रघुपति, व्हाट इज दिस रबिश? वो क्या है कि कंटिन्यू। फिर उन्होंने ऑफिस में मुझे सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया, और बिजनेस के डिटेल्स को मुझसे कहा गया सब कुछ सीक्रेट रखना है, और मुझे अपने कैबिन में ले गए। गोल्डन चांस, माइंड मेक्स मनी। ये मनी ट्रांजैक्शन का बिजनेस है, अगर एक कस्टमर 10,000 पे करता है तो वीकली 2,000 के हिसाब से पूरा 16,000 प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह अगर कोई 20,000 पे करेगा तो 4 महीने में 36,000 प्रॉफिट मिलेगा उसको, और अगर 1,00,000 पे करेगा तो गोल्डन चांस परमानेंट मेंबर बोल के रिकॉग्नाइज करके। सर, लेना 1% है और वापस देना 5% है, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में, हाउ इज पॉसिबल? वेरी गुड क्वेश्चन। हम 20 मेंबर से लेते हैं ना तो सिर्फ 5 लोगों को देते हैं, वही अगर 40 लोगों के पास से लिया तो सिर्फ 10 मेंबर्स को देने पड़ेंगे।
सर मुझे एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलो ना। फ्यूचर में हमें जो भी रेस्यू पे करना है वो अगर हमारी कंपनी के पास नहीं रहा तो फिर क्या होगा सर? इसीलिए तो कंपनी का बिजनेस डूबने ना पाए, इसीलिए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए काव्या को अपॉइंट किया है। तुमको अगर और कुछ डिटेल्स चाहिए तो हमारा राजू जो है ना असिस्टेंट मैनेजर होगा, उससे पूछ लेना। कुछ भी हो जाए मुझे जॉब चाहिए थी तो मैंने राजू के पास से सारी डिटेल्स ली। कंपनी से संबंधित सारे वर्क मैं ही हैंडल करती थी। एजेंट्स के लिए गिफ्ट ऑफर्स भी रखते थे। बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने के मेरे आइडिया से बिजनेस डेवलपमेंट क्लास और कॉन्फ्रेंस भी शुरू की मैंने। एजेंट्स को टारगेट करके हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक ब्रांच भी ओपन किया और टर्नओवर लाखों से करोड़ों तक पहुंच गया और कंपनी ने मुझे कार और फ्लैट भी दिया। हमारा ये पोजीशन देखकर हमारे सारे रिलेटिव्स हमसे मिलने आने लगे और वो लोग मेरे घर वालों से मेरी शादी के बारे में बातचीत करने लगे। ये सब चल रहा था और इन्हीं सब के बीच रघुपति एक दिन मेरे घर आके मेरे मम्मी पापा से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो इस तरह की बातें करने लगा। मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस रघुपति के सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी स्टेट पॉलिटिक्स में कुछ बंद नहीं हुआ होगा, है ना स्वामी? जी सर। गुरुजी थोड़ा रिफ्रेश। बीच बीच में से छोड़ना गलत है स्वामी, बोलो। नायडू ने मुझे फोन करके इवनिंग में फंक्शन है दोनों साथ में आना ऑर्डर दिया और हम दोनों उस फंक्शन में साथ में ही गए थे। वहीं पर मैं उन सबसे पहली बार मिली थी। हाय गाइस, काव्या, ये सब हमारी कंपनी के पिलर्स हैं। इन सब के आइडिया से ही हमारी कंपनी शुरू हुई है। ये सब कौन है, तुम्हें डाउट हो रहा है क्या? Thank you. Congrats. All the best Thank for you. Your marriage. Congrats. look, bro. Raghupati words. Kavya. Aajkal frauds logon ki shaadi bhi ho jaati hai kya? Congrats, dude. Congrats. Meri fiancee hai. So what? Thoda sambhal ki baat karna. To tu mujhe sikhayega ki kya bolna hai? You better stay away from me. Nahi, Sunny. This is not fair. सनी, काव्या मेरी फियांसे है और तो मैं समझ गई थी कि सनी और रघुपति के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और एक दिन जब रघुपति नहीं था तब मैं नायडू से मिलने गई थी और मैंने उनसे पूछा कि कंपनी के एक्टिविटीज में आप क्यों ऑफिशियली नहीं देखते हैं। काव्या, मुझे सेल्फ पब्लिसिटी पसंद नहीं है, लेकिन लोगों की पब्लिसिटी से अगर हमारा कोई फायदा होता है तो अच्छी बात है। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जैसे लोग लोगों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए स्कीम लेकर लोगों से दूर होकर भी अगर उनके साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी सर, और स्टाफ को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट लड़की हमारी कंपनी में काम करती है, ये बहुत है। हर एक घंटे में मुझे रघुपति का फोन आता था, लेकिन एक दिन अचानक उसका फोन आना ही बंद हो गया। मैंने सोचा नायडू ने मेरे बारे में उसको शायद कुछ बताया होगा, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन माइंड मेक्स मनी स्लोगन से शुरू हुआ गोल्डन चांस प्राइवेट कंपनी, कम सोचो और बहुत कमाओ, गरीब लोगों को दुखी नहीं होना, ऐसे बातें बोलकर लोगों से सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ बोलकर सबको चीट कर दिया है। पक्का प्लान करके इस कंपनी के ओनर का नाम अब तक बाहर नहीं आया है और हमारा पैसा अभी नहीं मिलेगा, हमको चीट किया गया है सोचकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर रहे हैं। पुलिस उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉइज को ढूंढ रहे हैं। आगे के मुख्य समाचार इस तरह से है। हेलो रघुपति, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन? पहले मेरी बात सुनो, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। तुम्हारे घर के सामने कार आएगी, फिर मैं बताऊंगा कहां आना है। मेरी बात सुनो, टीवी में ये सारे न्यूज, ये सब क्या है रघुपति? टीवी में देखा ना, फिर पूछ क्यों रही हो? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। फिर तुम्हारे माँ और पापा को बचाने के लिए कौन आएगा? फिर मुझे रघुपति के बताए जगह पर आना पड़ा। नायडू, सबको शहर मिलना चाहिए, समझे ना? बिल्कुल सही कहा। काव्या, तुम्हारे आंसू तुम्हें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगे, लेकिन ढेर सारा पैसा तुमको लग्जरी लाइफ देगा।
You got it? क्यों रेड्डी साहब? ऐसा करके मुझे और लोगों को भी धोखा दिया है आप लोगों ने। हाँ, हम सब इंसान ही है ना। शाल्ट और शुगर एक जैसा ही दिखता है। स्वीट के लिए स्ट्रेन हुआ तो स्वेत आया तो साल्ट ही रहेगा। अपने लालच के लिए आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया। ब्रांड अलग होता है फिर भी ब्रांडी एक ही है काव्या। फूल अलग अलग होते हैं लेकिन गुलदस्ता एक ही। पैसा कैसे आया वो मायने नहीं रखता, कितना आया वो मायने रखता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पुलिस को सरेंडर कर दीजिए और सारा पैसा वापस कर दीजिए। डील करना तेरे हाथ में है, कट करना तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हमारी सोच बदलना और तुमको यहाँ से भागने का चांस ही नहीं है। Do only what we say. There is no option. म्यूट में हुआ होगा, माइंड साउंड में नहीं आया होगा। क्या बात है रघुपति, बहुत गुस्से में आ रहा है। क्या बात है रघुपति? वो सत्यम 10 करोड़ रुपए लेके भाग गया। क्या? उसने ऐसा क्यों किया? तू फालतू में अपनी नाक मत घुसा बीच में। मेंबर्स में वो सत्यम ऐसी गलती क्यों किया? ये सब सोचने के लिए हम सभी के पास इतना टाइम नहीं है, समझे? रघुपति, मैंने एक डिसीजन लिया है। हम सब चोरी के पैसों को लेने के लिए सोच रहे थे, अब वो सत्यम अकेला ही 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया है, इसलिए इस मनी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रोक रहा हूँ। इट्स माय ऑर्डर। फिर सत्यम को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? रघुपति ने उसे कंपनी में ज्वाइन करवाया था तो ये उसी की जिम्मेदारी है। नायडू, सत्यम को मैंने ही कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था ना, थोड़ा टाइम दो, उसे दोबारा कंपनी में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तब तक के लिए गुड बाय। काव्या, चलो चलते हैं। आई एम नॉट कमिंग एनीवेयर विद यू। टेल मी व्हाई डिड यू डू दिस टू मी। शट अप एंड कम विद मी। ये सब क्या है नायडू? ये हमेशा इसको कुछ ना कुछ बोल देता है। हाँ, और ये कभी इसको कुछ नहीं बोलता। क्या बिगाड़ा है बताओ? 10 करोड़ रुपए गए, हम फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? रघुपति ने मेरे मम्मी पापा को झूठी कहानी सुना दी। उसने कहा कि पार्टनर ने चीट किया, इस वजह से कंपनी बंद हो गई है। लेकिन ये सब टेम्पररी है। लेकिन काव्या का आपके साथ रहना सेफ नहीं होगा। ये मेरे रिलेटिव के घर में बिल्कुल सेफ रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने रघुपति के डिसीजन को सपोर्ट किया। मैं कितना भी कहती रही लेकिन उन्होंने मेरी बात का ज़रा भी यकीन नहीं किया। और उसके बाद रघुपति ने मुझे अपने ही फ्लैट में कैद करके रख लिया। लेकिन तुमने मेरे मम्मी डैडी को ये कहा था कि तुम अपने रिलेटिव के यहाँ पर मुझे रखोगे, और अब ये क्या, तुम अपने फ्लैट में रहने को बोल रहे हो? छा, तुम इतनी छोटी सी बात को फील कर रही हो? उस सत्यम के मिलने तक तुम्हारे रिलेटिव्स मेरे साथ रहेंगे, ऐसा नायडू ने कहा था। उस बात से मुझे कितना फील करना चाहिए? उस नायडू ने मुझे ऑर्डर दिया था, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। सत्यम ने 10 करोड़ की चोरी की, वो पकड़ा गया, ये समझ में आया। लेकिन बाकी के पैसे वो कहाँ गए? स्कैम का पूरा पैसा रघुपति के पास है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कहाँ है ये मुझे पता नहीं। नायडू ने इतना पैसा आखिर रघुपति को क्यों दे दिया? क्या कारण होगा इसका? नायडू को आईटी रेट्स का बहुत खतरा है, लेकिन रघुपति को कोई नहीं जानता। नायडू के बहुत सारे प्रॉपर्टीज रघुपति के ही नाम पर हैं, और इसीलिए सनी को रघुपति से प्रॉब्लम है। अगर नायडू को कुछ भी हो गया तो रघुपति के नाम पे ही सारी प्रॉपर्टीज है और वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इसलिए सनी और रघुपति दोनों ही सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ रमेश जी, इतने उदास होकर कहाँ से आ रहे हो? मैं क्या करूँ करुण जी, शादी से पहले राजा था, शादी के बाद दास हूँ। वो पूछना भूल गया मैं, वो टी शर्ट के ऊपर जानवर की फोटो लगा के घूमने वाला। हाँ? अरे बाप रे, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों इतना डर रहे हो? डर रहा हूँ क्या? अरे वो मुझे जान से मार देगा, ऐसा कह रहा था। वो कौन है, उसका नाम क्या है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। संपत राव के फ्लैट में रहता है ना, उससे पूछो ना। वो मुझे जब भी दिखता है मैं उससे पूछता हूँ, काजल अग्रवाल ही दिखाता है और वही सुना देता है। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए ना। फ्लैट किसके नाम पर एग्रीमेंट हुआ है? वो लड़की जो उसके साथ रहती है ना, उसी के नाम पे है। तो उस लड़की से पूछ सकते हो? जब वो आए थे उसी के अगले दिन गया। आंखों से मार डालती है मुझे। लेकिन मैटर क्या है? वो तो मुझे पता नहीं है, किसी खतरनाक हॉरर फिल्म की मिस्ट्री है सर।
ये संपत राव के एडिशनल फ्लैट में पेंटिंग करने के लिए जो लड़का आया है ना, उसी के पीछे ये लड़की पड़ी हुई है। मतलब फेविकॉल से जुड़ा हुआ है इनका रिलेशनशिप। अपार्टमेंट के चारों तरफ यही लोग हैं, इन लोगों ने कोई प्लेस नहीं छोड़ा। ऑडियो है क्या? मैंने तो वीडियो देखी है सर। ये बात उस जानवर के बच्चे को पता है? वो दिख भी नहीं रहा है और उसके साथ बात करना भी बेकार है। अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट होकर मुझे पता नहीं, हमारा स्टोर रूम एक हफ्ते के लिए चाहिए ऐसा बोल के सेक्रेटरी से चाबी छीन के ले गया। फिर तुम क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती है क्या तुमको? 500 फैमिलीज के अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट होकर उस बेवकूफ कमीने से डरते हो क्या? श्रीनिवास जी, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। चुप करो डरपोक, उस बेवकूफ से डर रहे हो। श्रीनिवास जी, वो आ रहा है। ए, रुको। एक करोड़ रुपया खर्चा करके इधर फ्लैट लिया है, तुम अपनी मर्जी यहाँ चलाओगे? इधर हम भी शेर हैं, बिल्ली नहीं है। रमेश जी, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। क्या जी, ये कैसा साउंड है? अरे वो ब्रह्मानंदम को कोवई सरला ने मारा था ना, उसकी आवाज आ रही है। श्रीनिवास जी ने डॉल्बी सिस्टम खरीदा है, उसी के स्पीकर से ये आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आप जल्दी से अंदर आ जाइए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, अरे कैसे मारा है मुझे। श्रीनिवास जी, आपने उसे उंगली क्यों की? मेरे लिए वो डेमो दिखा सकता है, नहीं सोचा था। जोर से लग गई क्या? मेरी बीबी जब मुझे मारती है ना, उससे तो ये बहुत कम है, लेकिन क्या करूं, सबके सामने बेइज्जती तो हो गई ना। रमेश जी, आप उस बात को ज्यादा मत सोचो, हम इंसान हैं, इज्जत के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन बेइज्जती के बारे में भूल जाते हैं। सही है, लेकिन मुझे यकीन तो होना चाहिए ना। रमेश जी, वो बात मुझ पर छोड़ दो, वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते लेकिन सिचुएशन को बदल सकते हैं। कैसे? क्या हुआ रमेश जी, इतने उदास होकर कहाँ से आ रहे हो? मैं क्या करूँ श्रीनिवास जी, शादी से पहले राजा था, शादी के बाद दास हो गया हूँ। हाँ रमेश जी, एक शुभ समाचार, मेरी बीवी घर पे नहीं है, 7:30 बजे पार्टी है, दारू मेरा और चखना आपका। डन, फिर डिबेट, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। श्रीनिवास जी, आप तो सुपर हो। चाचा जी, मैं 3 फीट का हूँ, मेरे डैडी 6 फीट के हैं। आपसे कितनी बार पूछा, आप सच बोलते ही नहीं हो। मेरी माँ कहती है कि आप जो है चाचा जी की तरह दिखते हैं। अब इसमें सीक्रेट क्या है चाचा जी? हाँ, रघुपति कहाँ है? सत्यम से सच बुलवाने में लगा हुआ है वो। अच्छा, वो तुम्हारा भाई सनी कहाँ है? अरे उसके और मेरे भाई के बीच झगड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आया। अच्छा, ये कौन है? मेरे चाचा जी। डैडू, रेडी कहाँ है? डैडी और उनके फ्रेंड्स हैप्पी डेज फंक्शन में बिजी हैं इस समय। बाहर है के घास छिल रहे हैं क्या? ए, बोलूंगा ना। रघुपति, रेडी का भाई है, मैं भी इससे पहली बार मिल रहा हूँ। नायडू, क्या बेवकूफी है, कितनी बार बोला ना तुमको बाहर से किसी को लेके आने का नहीं, तुम सुधरोगे नहीं क्या? रघुपति, यहाँ कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। रेडी के आने के बाद मैं मैटर देखूंगा। अच्छा ये बताओ, सत्यम के मैटर का क्या हुआ? अरे डोंट वरी नायडू, सत्यम से पैसे रिकवर हो गए ना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे बारे में सबको बता देगा, ये गारंटी है। करेक्ट है। तो फिर सिंपल है, उसके शेयर उसको दे देंगे। ओके, ऐसा ही करो। नायडू, हमने जो कहानी शुरू की थी वो बस खत्म होने वाली है, ओनली हैप्पी एंडिंग बाकी है।
हैप्पी एंडिंग तुम्हारे लिए है, काव्या के लिए नहीं। नायडू, इस रेड्डी को अच्छे से समझा दो, काव्या 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 करके हर वक्त चिल्लाया ना करे। काव्या के लिए मैं हूं और मेरे लिए काव्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यही फाइनल है। काव्या फुल कंफ्यूजन में होगी ना? काव्या की सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात याद रखना, इस प्लान में अगर कुछ भी गलत सिचुएशन आती है तो उसे फेस करने के लिए इसे यूज करना पड़ेगा। अरे गोलू बाबू, एक घंटे से मैं यहां पर इनके साथ स्टोरी सिटिंग के लिए तुम्हारी वेटिंग कर रहे हैं। सॉरी गुरुजी, स्टार्ट कीजिए। हाँ रेडी। रेडी सिनेमा ऑलरेडी आ गया है, फिर मैं सुनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रेडी मतलब रेडी सिनेमा की स्टोरी नहीं, बल्कि तुम हमारे लिए जो स्टोरी सोचकर आए हो वो सुनाओ। सिर्फ सुनाने के लिए ही नहीं, तुम्हारा डायरेक्शन बदलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कहानी सुनाओ। नहीं। लेकिन क्यों? मैटर है। क्या करने के लिए? फेस्टिवल करने के लिए। कैसे? टॉलीवुड के एक पुराने फेमस हीरो के पोते की मूवी का ऑडियो रिलीज है, हम लोग वहीं जाने वाले हैं। उससे हमारा क्या संबंध? मैं अपने कॉन्टेक्ट यूज करके तुम्हें ऑडियो फंक्शन में लेकर जाऊंगा, फिर तुम दोनों को उस स्टेज पर भेज दूंगा। उसके बाद? हीरो की फैमिली जैसी फैमिली इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, ऐसा बोलना है। हमारे हीरो जैसा कोई हीरो नहीं है, अगर कोई हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा, ऐसा बोलना है तुम्हें। ठीक है, देखो भाई तुम स्टोरी पर आ जाओ। कुछ नहीं, अगर हीरो अच्छे मूड में हुआ तो अच्छा वक्त देखकर उसके घर जाकर उसके पैर पर अपना सर रख कर नमस्कार करना सब सेट हो जाएगा। अरे भाई ये सब तो ठीक है, स्टोरी क्या है? ये फिर से स्टोरी पूछ रहा है। अरे स्टोरी किसे चाहिए, किसे चाहिए? हीरो की डेट्स अगर हमें मिल जाए तो कहानी बेकार होने के बाद भी फिल्म हिट हो जाएगी। स्टॉप इट गुरुजी, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। बाहर सिचुएशन बहुत खराब है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अगर ये साथ रहा तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको स्टोरी सुनाने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, गुड बाय। कमर्शियल करने के चक्कर में नया सीन ऐड करना छोड़ो और सच्चाई बताओ स्वामी। हाँ रघुपति, सत्यम मार दिया। What? ड्रिंक अच्छी है। रघुपति को काव्या से रोमांस करने में इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि किसी और काम में कंसंट्रेशन कर ही नहीं पा रहा है। अरे उसके बारे में रघुपति को पता नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। आप बस देखते ही रहो, वो हमारे बंदे को भिखारी बना देगी। नायडू। हाँ रघुपति। वैसे कब आ रहे हो तुम? मुझे सनी ने काम दिया है, वो काम पूरा करके आता हूँ। ठीक है ठीक है, अपने आने से पहले ना उस रेड्डी साहब को भी इन्फॉर्म कर देना, इस हफ्ते में शेयरिंग का काम करना ही है। अच्छा सर, आप घर जाके आपके पास जितना भी गोल्ड है वो सब लेकर तैयार हो जाइए, मैं फोन करूंगा तब आप आ जाइएगा। हाँ ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? या काव्या इज डूइंग गुड। आंटी वो मामला सॉल्व हो जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए।
क्या रे, पेमेंट हुआ क्या भाई? हाँ क्या रे, तू दीवार पे कलर लगाने आया है या लड़कियों को छेड़ने आया है यहाँ पे? मैं क्यों आया हूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वेट एंड सी। तोड़ेंगे नहीं तुझे। ये बच के नहीं आएगा। ये भागे, पकड़ो उसे। श्रीनिवास जी, ये इस साइड का लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? एक सप्ताह हो गया एसोसिएशन में कंप्लेंट किए, अब प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ प्रेसिडेंट ही करेगा क्या? और नहीं तो क्या, आप इतने बड़े स्टेज पे हो। वो छोड़ो, आप कहाँ से आ रहे हो? खुशी की जगह से। फिर दुखी क्यों हो? 10 दिन पहले ही उसको उसकी माँ के घर छोड़ आया। गोवा क्या? नहीं, बैंकॉक। पूरी से मिला क्या? उस तरफ नहीं गया मैं। तुम तो बड़े रोमांटिक हो। फिर नहीं तो क्या। तो ही है ना आरके अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट। तुम कौन हो? मैं रघुपति का भाई हूँ। रघुपति, वो कौन है? तुम्हें उनके बारे में नहीं पता? ए, हमारे बारे में पता नहीं है क्या? डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। देखो भाई, डरने का सिम्टम मेरी बॉडी में नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी वाइफ ने मुझे मार मार के रॉड जैसा बना दिया है, समझ गए ना? इधर कोई रंग का डब्बा लेकर घूम रहा और मेरे भाई को घूम घूम के टेंशन दे रहा है। तुम्हें इसके बारे में पता है क्या?
अच्छा ये बात है, अब मुझे समझ में आ गया है। अब तेरा स्क्रीन प्ले छोड़कर मेरा वर्जन सुनो। तेरा वो भाई है ना, बहुत ही निगेटिव कैरेक्टर है। उससे बात करो तो बहुत गुस्से से अटैक करता है। संपत राव के फ्लैट में आए हुए उसे 2 साल हो गए। अपार्टमेंट में किसी को भी अभी तक उसका नाम और पता नहीं मालूम चला है। वो बताता नहीं है और हमको पता नहीं लगने दिया। और किसी के बारे में पूछ रहा हूँ तो मेरे भाई के बारे में क्यों बात कर रहे हो? रुको, तुमने मुझसे पूछा है ना, तुमने कम्प्लेन किया है ना कि वो कलर वाला लड़का पॉजिटिव है या निगेटिव। अभी तक मैं कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, मुझे अभी पता चला है। ज्यादा बकवास मत करो तुम। भाई सुनो, मैं अपने 20 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ। आगे क्या करना है बोलो। ऑलरेडी मैंने कर दिया है भाई। आप जिसको भाभी सोच रहे हो ना, उसी लड़की को दिखाकर शाम के वक्त संपत राव ने कंप्लेन किया था। वो क्या है? काजल अग्रवाल की बाहों में जाने के लिए सोच रहा था। ए, तुम पागल जैसी बात मत करो। पागल नहीं, तुम उनके बारे में कम सोच रहे हो। सोल्यूशन क्या है? उस लड़की को कंट्रोल में रखना होगा। मैं कंट्रोल में रखूंगा? तुम्हें करना है तो करो, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। इसका मतलब तुझे भी पनिशमेंट देनी होगी। देखो भाई, अपने जिंदगी भर के गम को बैंकॉक में भेज के खुशी को अपने साथ लेकर आया हूँ, और तुम फिर से मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो। और चलाक समझता है? मैं तो पैदाइशी चलाक हूँ। शिट, क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? या। ओह शिट, ये नायडू का फेवरेट पॉट था। सॉरी रघुपति, इट जस्ट हैपन बाय मिस्टेक। आई गेट अनदर बॉटल। दैट्स गुड आइडिया, मेक इट फास्ट। या। काव्या, क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? सनी आया था सेलर में, मेरे साथ मिसबिहेव किया उसने। पूरा पैसा मेरे पास ही है और मेरे साथ इमीडिएट आना होगा, ऐसा कहा। मैं समझ ही नहीं पाई वो क्या कह रहा था। सनी, सनी इधर क्यों आया? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? रघुपति को मारूंगा, मार डालूंगा रघुपति को। वैसा सनी लेके क्यों जाएगा? हम सब तो एक ही ग्रुप में है ना, फिर वो मुझे चीट क्यों करेगा? ए, यहां किसी नए आदमी को देखा है क्या? इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूं मैं, कितनी बार बोला तुमको? यहां कोई भी मूड है, कोई ज्यादा बकवास करता है। ए, यहां किसी को देखा है क्या? आपको ही देख रहा हूं जी। हां, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई नया आया था क्या?
मुझे कैसे पता होगा सर, मैं तो यहाँ पे नया हूँ। तुम ड्रामा कर रहे हो। रुक जाओ। क्या हुआ? ए, तुम उठो। सर, आखिर तुम लोग लड़के क्यों रहे? सर, मैं यहाँ पे मार खाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ। मारना था किसी और को रख लीजिए, ये आके मुझे मारने लगे। अपार्टमेंट में कौन आता है कौन जाता है इसे कुछ पता नहीं, तो आखिर करता क्या है यहाँ पे? ब्रदर, मेरे एक्सप्रेशन का मीनिंग इसे क्यों मारा वो नहीं है, असल में मैटर क्या है ये मुझे बताओ। अपार्टमेंट में कोई नया आदमी आया था क्या? नए आदमी को नहीं, पुराने आदमी को ही नए तरीके से देखा था। आखिर कैसे देखा था? वो क्या है कि हट, सुनिए, रघुपति बिना सबूत के पूछोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्लीज समझो। अपने फ्लैट में कुछ काम करवाना है। इसीलिए तेरी वर्किंग स्टाइल देखने के लिए आया हूं। रेड्डी। रेड्डी जी, मुझे काव्या और सनी के बारे में रघुपति से पर्सनल बात करनी है। मैं जब फोन करूंगा तब आप आइएगा। काव्या के मैटर में मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रघुपति, हम आ रहे हैं। Thanks for your decision, baby. I'm very lucky. मैंने भाई को मैटर बता दिया है, सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Don't fear, dear. रघुपति, मेरे लिए ड्रिंक बनाओगे क्या? Yeah. Just think about me. Come. इसकी वाटर के साथ लेंगे ना? That's fine. रघुपति, मेरे लिए भी। डार्लिंग, तुम्हें काव्या को भी वाइन दो। नो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, वाइन छोड़ दिया क्या?
रघुपति, अगर काव्या नहीं पिएगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। रघुपति, जितनी जल्दी इस मैटर में बात खत्म करोगे उतनी जल्दी हम दोनों को रिलीफ मिल जाएगा। रेड्डी को भी आने दो। मतलब तुम पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करने वाले हो क्या? सनी, सिट हियर। सनी, रघुपति, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। बिजनेस मैटर में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर कभी फ्रेंड्स या रिलेटिव के बीच में कोई झगड़ा होगा तो वो अलग हो जाएंगे, दैट्स नेचुरल। वही दो चोर मिलकर चोरी के लिए घर जाएंगे, उधर भी झगड़ा करेंगे तो पुलिस से पकड़े जाएंगे। यही प्रिंसिपल हमको भी मानना पड़ेगा। हम सब ने चोरी करके लोगों का बहुत सारा पैसा चुराया है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम सब ने मिलकर एक इतिहास रचा है। अगर हम लोग फिर से ऐसा ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, ये याद रखो। रघुपति, अब एक पर्सनल बात करते हैं। जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हें इस बात से बहुत दुख होगा। तुम काव्या के बारे में बात कर रहे हो क्या? Yes, that's right. देखो रघुपति, अगर काव्या इस बारे में कोई डिसीजन लेती है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ। गुड रघुपति, अब पैसे लेकर आओ, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब तक रेडी भी आ जाएगा। Give me a drink for me. Raghupati. Keys. Keys तेरे पास ही है ना? What? मैं उन कीज की बात कर रहा हूँ जो तेरे पास है। मैंने भी उसी कीज के बारे में बोला जो तेरे पास है। तुझे समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहा है? मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ सनी। सनी भाई, रघुपति खुल के बात करना चाहता है, करने दो उसे। रघुपति, व्हाट इज दिस? नायडू, सनी मेरा फ्रेंड है, उसको धोखा देना मुझे पसंद नहीं। टेक इट, गुड लक सनी। रघुपति, तुम पागल हो गए हो क्या? रघुपति, क्यों रे? तुझे काव्या चाहिए?
रघुपति, रघुपति लिसन, सनी को मार दिया, अब पैसा, पैसा कहाँ है? ये कैसे पता चलेगा? अब एक रेडी ही हमारे पास ऑप्शन है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी उसी के पास हैं, और रेडी यहाँ आने के लिए रेडी हो सकता है, बस नायडू के फोन से कॉल करो उसे, ओके? नायडू का फोन है। हाँ नायडू, बीच में है, ढाबा पे खाना खा रहे हैं, खाने के बाद आएंगे। काव्या, फ्रेश हो जाओ और जो चाहिए पैक कर लो। अपने घर में कोई प्लास्टिक बैग है क्या? बैग है क्या? नहीं।
इतने पैसे लेकर भागने के लिए हमारे पास परफेक्ट आइडिया नहीं है। ग्रुप में सनी और रघुपति के बीच का झगड़ा ही हमारे प्लान का स्टाफ है। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करना है? हेलो हेलो सनी, आई एम काव्या। व्हाट अ सरप्राइज। या तुम मुझे कैसे कॉल कर रही हो? मेरा नंबर तुम्हारे पास? रघुपति तो कभी नहीं दे सकता। एनीवेज बेबी, क्या चाहिए बोलो। तुम चाहिए मुझे। व्हाट? आई लव यू सनी। वाओ, इज इट ट्रू? ओके, तो बताओ कहाँ मिलना है। 10 मिनट में सेलर के पास। और रघुपति? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ। ओह शिट। बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूं। क्रांति ने रघुपति के फ्लैट से पैसे लेकर सन्नी को क्यों दे दिया? उधर बैग तो क्रांति ने रखा था, लेकिन सन्नी को काव्या ने बताया कि वो बैग वहां है। गुड कैच अयप्पा। थैंक्स फॉर योर एप्रिशिएशन स्वामी। गोलू स्वामी, गो अहेड। हे, इतने दिनों तक छुपाया क्यों तुमने? क्योंकि टाइम अभी आया है ना सनी, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। वो हमारे प्यार के बीच में आ गया तो? मार दूंगा, रघुपति को मार दूंगा। ये बात पता चल गई तो रघुपति उन्हें क्यों चांस देगा? बेचारे सनी को इस बारे में पता नहीं है ना। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं यही बोलूंगी, सनी मुझे इस वायलेंस का अंत साइलेंस से करना है, तभी हम दोनों शादी करके खुश रह सकते हैं। मुझे इंसान बना रही हो काव्या। आई लव यू सो मच। क्या करना है बोलो, टेल मी। व्हाट नेक्स्ट? इसमें अगर नायडू इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा प्लान पक्का वर्कआउट होगा। सनी, तुम्हारे भैया से ही तुम्हें हैंडल करवाना है, नहीं तो इस रघुपति को मनाना बहुत मुश्किल है। फिर से रघुपति? तेरे लिए तो भगवान से भी लड़ सकता हूँ। रियली सनी? ऑलवेज विद यू बेब। ओके सनी, बाय बाय। गलत है, धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये थंब सिग्नल्स क्या है? अरे साई जी, आप दुखी मत होइए, धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है। ओ, तो फिर जो सन्नी लेकर गया उस बैग में? अरे पागल, दिमाग है क्या तुझमें? क्या खाता है तू? तो वो मर गया। हाँ, सही कहा। सनी को कॉल करो और मैंने जो कहा उसे बोलो। ए काव्या, Any progress? तुम्हारे बारे में रघुपति को पता चल गया है। फोन ऑफ कर दो और जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ पर फ्लैट में आ जाओ। बस तुम दोनों ही आना, असिस्टेंट को भी मत लेकर आना। पर्सनल मैटर किसी को पता ना चले। ओके काव्या, ओके। और अगर रघुपति ने नायडू को फोन कर दिया तो क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम काव्या, तब तक सनी की बातें सुनकर नायडू के सर के दर्द को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भाई, आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। पर आज नहीं। क्यों? हमने गोल्डन चांस में जितना भी कमाया वो पैसा आज डिस्ट्रीब्यूट करना है,
उससे पहले मेरा मैटर सॉल्व होना जरूरी है। किसका? I love you, सनी। फिर रघुपति का क्या होगा? उसे आप देखेंगे। सनी का फोन ऑफ होने के बाद रघुपति नायडू को कॉल करेगा और तब पागल हुआ नायडू रघुपति को कैसे आंसर करना है ये सोच के टेंशन में आ जाएगा। रघुपति को क्या बोलूंगा? रघुपति से बोलिए वो आपकी बात मान ले। टू साइड्स मैटर टू विजन्स में होना तो बस सिर्फ दो बातें होती हैं, जस्ट टू लाइंस। पैसे लेके वेट कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं। उस टाइम पे सनी पैसे लेकर के गया है, रघुपति ऐसा डिस्कस करेगा ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। पर ऐसा क्यों? तब तक इस मैटर के बारे में सनी नायडू को सब कुछ बता चुका होगा, इसलिए रघुपति पैसे मिस होने की बात करेगा तो नायडू कुछ और ही सोचता होगा। काव्या मिस हो गई है ये बात जब वो लोग सोचेंगे तो नायडू सोचेगा कि पैसे सनी लेकर के गया है, रघुपति ने ये प्लान बनाया होगा। नायडू इसी उधेड़बुन में लगा रहेगा, तभी रघुपति थोड़ा होशियारी से काम लेगा। वो टेंशन में रहेगा और उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। वो गुस्से में काम ना लेकर उनके आने का इंतजार करेगा और उनके आने के बाद उनके इंटेंशन को बाहर आने का वेट करेगा। सनी के बिहेवियर और नायडू की बातें सुनकर रघुपति को शक हो जाएगा और वो गुस्से में आकर सबको गोली मार देगा। मेरी डार्लिंग के डार्लिंग तुम हो ये पता लगने के बाद तेरे बारे में जानने का विचार करना सिर्फ बेवकूफी है, बट तूने एक प्लान बना के मेरे प्यार को इस्तेमाल करके तूने उसी से मुझ पे अटैक किया, उस बात के लिए तुझे हेड्स ऑफ है यार। यही आप लोगों को तो क्लाइमेक्स में आना है, अभी क्यों आए? क्लाइमेक्स क्या सर, 9th फ्लोर पे जाना है हम लोगों को। लेकिन क्यों? कुछ नहीं सर, आपके अपार्टमेंट में से किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया कि यहाँ बुलेट फायरिंग का साउंड आया। बुलेट्स का साउंड? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं सर, चलिए चलते हैं ना। हाँ। ये अपार्टमेंट किसका है? मेरा और मेरे बिजनेस पार्टनर अर्जुन का है। इस फ्लैट में और कौन रहता है? कोई नहीं रहता है, ये सिनेमा ऑफिस के लिए हमने खाली रखा है और इसको रेडी करने के लिए हमने एक लड़के को दिया हुआ है। ये फ्लैट किसका है? वो भी मेरा ही है सर, रघुपति नाम के एक आदमी को मैंने रेंट पे दिया हुआ है। वो एक लड़की के साथ हमेशा अपनी बेंज कार में घूमते रहता है। मतलब उनकी फैमिली नहीं हो सकती है सर? मतलब मुझे ऐसा लगा इसीलिए बोला। चलिए फिर चेक करते। टीवी ऑन है, डोर बंद है, जरा बेल बजा। कुछ तो चक्कर है, समथिंग इज गोइंग ऑन। अरे सर जी, इसमें बड़ी बात क्या है? अरे घर लॉक करके कहीं बाहर गए होंगे। तो फिर हमें पावर ऑफ करना पड़ेगा है? और ये काम मैं करूंगा। अरे चलो चलो चलो। रेडी के साथ फोन पे क्या बात करनी है पता है ना? अगर कुछ एक्स्ट्रा किया ना रघुपति, ये नायडू कहाँ है? रेड्डी जी, नायडू अपने 15 साल के भांजे को 15 लाख की स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर देने के लिए गया है।
उसी वजह से वो रिंग रोड की तरफ गया है। वो इधर आया था, पर पता है क्या हुआ, 15 मिनट के बाद वो सब लोग हॉस्पिटल की तरफ चले गए। और वो कावेरी? रेड्डी जी, अपने इस बटले को मुंह बंद करने के लिए बोलिए। काव्या ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब से मेरा और काव्या का कोई संबंध नहीं। मैंने उसके बारे में क्या सोचा था, उससे शादी करूंगा, उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन वो सनी से प्यार करने लगी थी और मुझे अकेला छोड़कर नायडू के सपोर्ट से सनी के साथ प्लान कर लिया और मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई। अरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे पता ही नहीं चला। देखो तुम दुखी मत होना, नायडू ने मुझे फोन करके मेरा ओपिनियन मांगा था। नायडू के बाद सनी भी मुझे फोन किया कि मैं काव्या को सपोर्ट करूं, नहीं तो वो मुझे पता है रघुपति, मैं तेरी भावनाओं को अच्छे से समझता हूँ रघुपति, लेकिन नायडू के रिस्पेक्ट के कारण मैंने तुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैं तेरे साथ कभी भी मारपीट या झगड़ा नहीं कर सकता ना। इसीलिए जैसे ही मैंने हाँ कहा, काव्या ने सनी का हाथ पकड़ के नायडू के साथ चली गई। उनका रिलेशनशिप अब बहुत ही स्ट्रांग है, वो सब तो एक ही प्लेस में रह रहे होंगे। अब तो नायडू अपना हर काम काव्या से ही पूछ के करेगा ना। नायडू कहाँ है, पूछिए उसे। हेलो। हेलो रेड्डी जी, मैं काव्या बोल रही हूँ। तभी मैं कहूँ कि नायडू का फोन तेरे पास कैसे? अच्छा तो बताओ मेरा भांजा कैसा है? वो तो आईसीयू में है रेड्डी जी, लगता नहीं है कि सुबह तक उन्हें होश आएगा। रेड्डी, नायडू कैसा है पूछो। वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। फिर हमारे काम का क्या होगा? हम सबका जो भी शेयर है वो आपको रघुपति दे देगा, और उसकी चाबियां नायडू जी के पास ही है। बट नायडू जी जब तक होश में नहीं आते तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। ओके, तो फिर ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते है ना। जब उसको होश आए तो कहना कि मुझसे वो बात करे, पैसों के बंटवारे का मामला है ना। रखता हूँ। ये क्या है, लॉक है क्या? अपने बाप से पूछना। अरे बेटा संपंगी, ये लोग हम लोगों से नहीं खुलेगा रे, इसलिए मेरी बात मान, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये बैग को ले चल, बाद में देख लेंगे, समझा? अभी लेकर चल। डैडी, बिना चाबी के ताला खोलने मुझे अच्छी तरह आता है, एक बार ओपन करो क्या, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रेड्डी जी, अपने इस पटले को समझा दीजिए, विश्वास करना सीखना चाहिए, जो तुझसे कभी नहीं होगा। स्कैम का पैसा बहुत सालों तक मेरे पास ही था, अगर मैं चाहता ना तो इसका पैसा आपको कभी नहीं मिलता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। Good performance, good performance. What an implementation. असल में तुम्हें यहां नहीं, फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए था। सच में अगर तुम फिल्मों में होती ना तो दीपिका पादुकोण नहीं होती, यहां तक कि काजल अग्रवाल भी नहीं होती, सबकी छुट्टी कर देती तुम। रघुपति, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? तुमने रेड्डी पर जो आइडिया अप्लाई किया है ना, वो क्रांति का है, और इसीलिए मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। हाँ? खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा काम होने दो, फिर तेरे सिक्स सेंस बॉयफ्रेंड की बॉडी में 6 बुलेट उतारूंगा और साथ में तू भी मरेगी।
लव बर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ए साईं। बोलो भाई। सब कुछ क्लीन हो चुका है, जितनी जल्दी हो अपने लोगों को लेकर के आ जाओ, ओनली कटिंग और पैकिंग बाकी है बस। ठीक है भाई। डैडी जरा गाड़ी रोकते हैं, पैसे देकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, बैग ओपन कर। अरे संपंगी, पैसा कहाँ गया रे? क्या डैडी, बेवकूफ बना दिया उसने हम लोगों को। मैंने कितनी बार बोला आपको, आप सुनते नहीं है, अपनी वाली करते हैं। खा गया ना धोखा, अब आ रहा ना मजा? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बोल रहे थे, रघुपति के सामने बैग ओपन करूं बोला तो आपने वहीं पे मना कर दिया, अब लग गया ना आपके, झेलिए। कितना बड़ा चीटिंग किया रे संपंगी, वो हमारे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये सब हम किसी को बताएंगे कि इस बैग में पैसा नहीं है तो कोई यकीन करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा, अरे उधर ही मार देगा हम लोगों को, और क्या। अब क्या करेंगे हम? मुझसे पूछ रहे, चलिए खत्म कर देते हैं उनको हम लोग, चलिए दिखाते हैं उनको हम लोग कौन है, चलिए। यही कहीं पे छुपा हुआ है, पकड़ के मार डालो उसे, जाओ।
अरे संपंगी, ये रघुपति किसके साथ फाइट कर रहा है रे? अरे उसका बाप होगा, देख क्या रहे हैं, चलिए मारिए उसको। मैं इस सब लफड़े में नहीं पड़ने वाला। मैं आपका बेटा हूँ ना पिताजी, आप उसे मारेंगे कि मैं जाऊँ? तूने सही कहा संपंगी, तू ही मेरा बेटा है, मुझे पता चल गया। चलिए अरे गोलू बाबू, सब्जेक्ट में सब चीटर ही है, सब लोग चोर है ना? सब लोग नहीं, हाँ एक हीरो है ना? कहाँ? यहाँ। हेलो गाइस। क्या हीरो, कलर कर रहे हो? कलर लगाने वाले को कलर के बारे में नहीं बोलो, बस इतना बताओ कलर किधर डालो। क्या डालोगे? वो मेरे फ्लैट में ही नहीं, मेरे को भी कलर कर दिया है। और क्या है बाकी कलर करने के लिए? कलर कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे फ्रेंड अर्जुन रेड्डी ने मुझे यहाँ पर भेजा, गूगल पर एड्रेस सर्च करते करते मैं आने में लेट हो गया। अरे लेट नहीं, बहुत लेट हो गया, उतना लेट गया है। ओ, तुम मेरे और मेरे काम के अलावा कुछ और बातें मत करो, काम की बात हो तो बोलो। बोलूंगा बोलूंगा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी अर्जुन को फोन करके यहाँ पर क्या हुआ सब पता लगाता हूँ। कर लो। अरे देखो उसका नाम लिया और उसका फोन आ गया। हेलो अर्जुन भाई, अरे क्या चल रहा है ये सब? पहले जिसे भेजा वो कौन था और ये कौन है? पहले जो भी आया ना, हाँ ये काम के लिए आया है। अब जो हो गया वो तो मुझे पता है सब कुछ, अब मैं क्या करूँ? घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। बस आया ना उसके बारे में तुमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इधर से पता चलेगा। गोलू बाबू कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छा सुनाया सर। दिन रात वो हमारे पीछे घूम रहा था, इसलिए मैंने उसकी मेहनत देख के उसे कुछ बोला नहीं। बहुत ही मेहनती है वो। No doubt sir, he is brilliant. Yeah, I got it. उसको क्लाइमेक्स देखने के लिए भी बोल दो। 100% sir. Yeah, thank you. गोलू स्वामी, क्लाइमेक्स लिख लो। गुरुजी, पेन, पेन। क्रांति। हेलो सर। यू डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू। कांग्रेट्स। सर, आपने जैसा बोला स्कैम का पूरा अमाउंट हैंड ओवर किया है। किसी भी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट कभी नहीं बनूंगा। थैंक यू, बाय।